आप लोगों के गेटों को हाथ लगा के क्यों बात करें? आपने क्यों मेरे गेट को इतनी दूर से यहाँ क्या करने आ गए? नहीं कोई चीज नहीं है, मैं ठीक हूँ। घूम रहा ये कर रहा ये क्या हो गया है? हमने कुछ नहीं करना, हमने आपका एड्रेस पता लगाना है। आपको अपनी गाड़ी पे छोड़ दिया है। अब वो मेरा ये लगाओ और मेरी एक बेटी का हस्बैंड भी है उस घर पे। ये निकाल लो करवा लो। ये मत उठाओ भाई। वाइफ का क्या नाम है? हम जांच कर रहे हैं। आप एक सीनियर सिटीजन, आपका घर में कोऑपरेट करना पड़ेगा। खड़ी है पुलिस, पहली बहन सभी आपके, खड़ी आपके लिए, आप नहीं जाइए। सर सकते हैं, सर बता रहा है ये बताया जा रहा है कि इसमें वो नहीं पाए गए, हालांकि वो
लिखी जाएगी कि क्या इसमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण है नहीं है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस व्यक्ति को जिसका नाम बशीर अहमद बताया जा रहा है सेक्टरों में जानीपुर के इलाके में घूम रहा था और आज जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद से इसे जो है वो पकड़ लिया गया है। और जो जानीपुर एस एच ओ हैं नरेश शर्मा वो भी यहाँ पहुँचे हैं, वो लगातार इस एरिए को जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सैनिटाइज भी किया गया है और ये तरह तरह जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ थे उन्हें ये व्यक्ति टेस्ट करा था। और अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी इसे जो है सर इसी कुत्ते आगे पीछे चला जाता था। देखिए जनाब आपको पता है कि पूरा देश इस वक्त हम पूरे अलर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट इवन हमारे लोकल लोग भी पूरी तरह अलर्ट हैं। हमें किसी तरह की कोई कहीं पे भी कोई किसी में कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं वो या किसी की फॉरेन हिस्ट्री है वगैरह वगैरह वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं और जहाँ पर कोई हाइड कर रहा था उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये पता चला कि कोई एक बशीर अहमद नाम के एक शख्स हैं जी जहाँ घूम रहे थे, रहते दूर हैं उधर सरवार वाली साइड, तो इधर दो चार दिन से घूम रहे थे, गेट पे कहीं थूकना है लोगों के नाक करना है, तो उसे हमारे डॉक्टर साहब उन्होंने ये भी साथ में आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं यहाँ पे आया, एस एच ओ साहब भी आए। तो अब इस सिलसिले में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी कि इशू क्या है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई इसमें पैनिक होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे आपको कि अभी कोई सिम्टम भी नहीं है इस बंदे को, लेकिन फिर भी हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, इस सिलसिले में पूरी थ्रो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद। सर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह पकड़ा गया है किस तरह की कार्रवाई रहेगी, किस तरह का इनका देखा जाएगा? देखिए जी अभी ये सिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं इसका हम टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है। इत्यादि तौर पे अभी इसको हमने IIT रखा है फॉर क्वारंटाइन सेंटर फॉर वन डे एंड देन हम डिसाइड करेंगे क्या है। लोगों को कहना है कि बहुत बार थूका गया है, कहीं गेटों के हाथ लगाया, गाड़ी को हाथ लगाया, आपको लगता है व्यक्ति किस तरह का होगा? तो इधर ही माइट बी मेंटली सिक, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस का टेस्ट कराएंगे, बट इसमें लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लोगों के साथ है, ठीक है, लोग भी अपना प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करें और हाथ ध्यान, ठीक है।